हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रसम जो है शुरू होने ही वाली है, तो रसम मैं खुद करने वाली हूँ, तो आप मुझे ही आगे करते हैं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने दुपट्टा निकाल लिया है, जो रसम ने लेकर आए थे दुल्हन के लिए, उसी का दुपट्टा हम इसको उड़ाएँगे दुल्हन को। फिर इसके बाद की जो रसम होंगी, जैसे फूल पहनाना, बैंगल्स डालना, फिर जो अंगूठी हम लेकर आए थे वो पहना देंगे, और रिंग एक्सचेंज करना था बट ये नहीं कर पाए हम। और एक बात, यहाँ पर बड़ी बहू को हमने कुछ अलग चीज़ें लाई थी और छोटी बहू को कुछ अलग चीज़ें लाई है। इसकी वजह यही है कि ये रसम जो है काफ़ी छोटा रसम है, काफ़ी बड़ा रसम नहीं किया, या फिर एंगेजमेंट आप बोल सकते हो, उसका भी हमने सोचा नहीं था। मतलब फरीका जब एंगेजमेंट हुआ था तो हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा वो हो जाएगा, हमने सोचा था सिर्फ गोद भराई करेंगे, यही हमारे दिमाग में प्लान चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे तैयारियां करने लगे तो फिर रसम जो है थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, सारी चीज़ें हमने अच्छी लेकर गई थी। अब इस वाली दुल्हन को भी हमने सोचा था कि छोटा मोटा ही कुछ ऐसे फूल वगैरह पहना कर आ जाएंगे, लेकिन मतलब जैसे तैयारियाँ हम करते रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत एडिशन हो जाता है, तो तैयारियों के साथ साथ एडिशन की मतलब चीज़ें जैसे जैसे हम लेते हैं तो ये भी ले लें ऐसी चीज़ें हो गई। तो हमने यहाँ पर इतना ये लेकर गए थे, तो रसम छोटी होने की वजह से हमने यहाँ पर इतनी चीज़ें लेकर गए थे। तो बस यहाँ पर रसम में मैंने दुपट्टा उड़ा दिया है, बस यहाँ पर बैंगल्स पहनाना है, इसके बाद उसको फूल वगैरह पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, इसके बाद उसके सैंडल वगैरह पहनाएंगे। तो चलिए, यही रसम होती है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर ना फरदीन का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, फरदीन को सारे ही लोग मतलब जैसे उसके छोटे मामू, बड़े मामू और फरदीन के कुछ दोस्त आए थे, तो वो दोनों भी यहाँ पर फरदीन को चिढ़ा रहे थे। तो फरदीन का एक्सप्रेशन देखिए, वो हंसने जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हंसी आ रही थी बट वो हंस नहीं रहा था, और वो भी कोई कम नहीं है, वो भी इतनी ही यहाँ पर कॉमेडी कर रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने फरीक के लिए बनवाया था, यानी कि फरीक की जो दुल्हन के लिए बनवाए थे फूल, वैसे तो नहीं बनवा पाए क्योंकि यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं बनाते हैं, उतना यहाँ पर डिमांडिंग नहीं होता है, शायद से वैसी रस्में यहाँ पर नहीं होती होंगी कर्नाटक जैसी, तो इस वजह से यहाँ पर इतने अच्छे से फूल नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर हमने हाथ के कंगन बनवाए थे, वो यहाँ पर फूल वाले भैया ने नहीं दिए थे, तो वही मैं ढूँढ रही थी, काफ़ी ढूँढने के बाद नहीं मिले। तो फिर यहाँ पर मैंने जो जाली थी, हम इसको जाली बोलते हैं, तो वो पहनाना शुरू कर दिया। बस पांच सुहागनों को इस तरह से मतलब उनके सर पे लगाना है, फिर इसको दुल्हन को पहनाना है, तो बस वही कर रही हूँ।